So today we have follow-ups of the statement describe something you did that made you feel proud. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई होप आपने देख ही लिया होगा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो. सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ताकि आपको हर वीडियोज के अपडेट्स मिलती रहे. इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो इसका क्यू कार्ड वर्जन आप जाके वहाँ देख लेना. सो लेट्स सी अवर फॉलोअप क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट. इन दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, पर्सनल गोल्स और वर्क गोल्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल गोल्स और वर्क गोल्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन के लिए डिफरेंट है कि उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है इनकी. फॉर सम पीपल, अगर कुछ लोगों की बात की जाए, पर्सनल गोल्स सच एज परस्यूइंग देयर पैशंस, दैट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट फॉलो करना. पर्सनल गोल्स स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आर मोर इम्पोर्टेंट. उनके लिए ये पर्सनल गोल्स उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वेल फॉर अदर्स, अगर दूसरों की बात की जाए, वर्क गोल्स लाइक करियर एडवांसमेंट, मतलब करियर बिल्डअप करना, जाना आगे जाना, मतलब अपने करियर में एक्सपर्टाइज लेनी, करियर एडवांसमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, एंड प्रोफेशनल ग्रोथ आर ऑफ हायर इम्पोर्टेंट. प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब होता है कि उसके अंदर उनको प्रमोशंस मिलने, टॉप पोजीशंस पे पहुंच जाना. कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हैं, कुछ लोगों के लिए उनके पैशंस फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है. इन माई ओपिनियन, अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए, बोथ पर्सनल एंड वर्क गोल्स हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस इन एवरीवन्स लाइफ. कि पर्सनल गोल है चाहे वर्क गोल्स है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है हर किसी की लाइफ में. सो फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन द टू, तो अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस फाइंड आउट कर लिया जाए, कैन लीड टू अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन एंड अ फुलर एक्सपीरियंस इन लाइफ. यहाँ पर फुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटर लिख लेना. कि अगर पर्सनल गोल्स और वर्क गोल्स में हम बैलेंस बना के चलेंगे तो इससे सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी और हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव योर लाइफ गोल्स चेंज सिंस योर चाइल्डहुड. क्या आपके जो लाइफ गोल्स हैं, एम्स हैं, वो चाइल्डहुड से चेंज हुए हैं या फिर सेम है. येस, देर इज़ अ बिग चेंज इन द लाइफ गोल्स एज कम्पेयर टू माई चाइल्डहुड. कि बहुत बड़ा चेंज है मेरे लाइफ गोल्स में अगर मैं चाइल्डहुड के कंपेरिजन में बात करूँ. इन माई चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड की बात की जा रही है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई इंटरेस्ट. मेरे को नहीं पता था कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एज वेल एज माई पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी चीज़ को कितना बेटर तरीके से कर सकती हूँ. एंड द मेन थिंग वॉज दैट आई डिडेंट नो वॉट आई वॉन्टेड इन माई लाइफ. और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को यही नहीं पता था कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या चाहिए था. सो माई लाइफ गोल्स वर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो मेरे लाइफ गोल्स टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे थे, बट नाउ आई हैव बिकम मेच्योर. बट अब मैं काफ़ी मेच्योर हो गई हूँ. आई नो माई पोटेंशियल, अब मेरे को मेरा पोटेंशियल भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है. सो नाउ आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. बट अब मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ. आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ था द मेन थिंग दैट आई डिडंट नो आई वॉन्टेड इन माई लाइफ. सो माई लाइफ गोल्स वर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. समटाइम्स आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट, समटाइम्स आई वॉन्टेड टू बी अ सुपर वूमन. तो आप यहाँ पे एक लाइन ये ऐड कर सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय स्पीकिंग PDF इंक्लूडिंग पार्ट 1, 2 and 3, यू कैन सेंड मैसेज भी ऑन द इंस्टाग्राम. आपको सारे डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज anyone सेट गोल्स फॉर themselves. क्या कोई अपने लिए गोल्स सेटअप करता है. आई थिंक सेटिंग गोल्स वर्क्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब कि गोल सेट करना किसी पर्सन के लिए काम करता है, किसी पर्सन के लिए काम नहीं करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल हु सेट गोल्स फॉर themselves, अगर उन लोगों की बात की जाए कि जो अपने लिए लाइफ गोल्स सेट करते हैं, दे हैव अ ड्रीम टू बिकम समथिंग प्रोफेशनल. उनका सपना है कि उनको कुछ प्रोफेशनली बनना है. उनको कोई ऐसी डिग्री चाहिए जिससे वो प्रोफेशनली अपने नेम के आगे कुछ जोड़ सके, लाइक CA, CS. दे हैव अ प्लान फॉर देम. उनके लिए एक प्लान है. इट एक्ट्स एज अ डायरेक्शन और मोटिवेशन फॉर देम. और यही गोल्स सेट करना उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है. सो दे डू देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान दे हैव प्लान. तो जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है अपना गोल्स अचीव करने के लिए, गोल्स सेट किए हुए हैं कि मैं इस टाइम पे मैं ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, तो वो अपनी एक्टिविटीज उसके
अकॉर्डिंग करना आप पसंद करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ बात की जाए, सम पीपल लाइक टू डू द एक्टिविटीज़ विद द फ्लो ऑफ टाइम. और कुछ लोगों को एक्टिविटीज़ करना पसंद है फ्लो ऑफ टाइम. फ्लो ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं, एज वेल एज चेंज इन द प्लान दे हैव प्लेड. अब मान लो कि अगर उन्होंने सोचा कि आज हम कल ये करेंगे, बट कुछ भी उनका माइंड सेट चेंज हुआ तो टाइम चेंज हुआ तो वो अपनी एक्टिविटी भी चेंज कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड सम पीपल लाइक टू डू द एक्टिविटीज विद द फ्लो ऑफ टाइम एज वेल एज चेंज इन देयर लाइफ टाइम सो इट वर्क्स फॉर देम. तो इस ये क्लाइंट रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो वो इस चेंज करते रहते हैं तो वो उनके लिए वो चीज़ काम करती है. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस सेट गोल्स फॉर देम सेल्स और नॉट. तो ये पर्सनल चॉइस है, कुछ लोगों के लिए सेट गोल्स करना काम करता है, कुछ के लिए नहीं करता. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kind of rewards are important at work? कि काम के ऊपर कौन कौन से rewards सबसे ज़्यादा important है. Both kind of rewards, अब rewards two types के होते हैं, monetary and non-monetary, are equally important at the workplace. दोनों की equal importance है. As monetary terms like bonus, promotions as well as increment in their salary, कि उनको bonus मिला, promotion मिल गई, पहले junior थे अब senior बन गए हैं, उनकी salary पहले 20 थी अब 30 हो गई है. Work help to make the employee stable, इससे वो stable हो जाते हैं एक place के ऊपर. तो इसलिए मॉनेटरी टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देम की जगह दैट आएगा. कि इसके अलावा नॉन मॉनेटरी अवार्ड्स लाइक, अगर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की बात की जाए, अप्रिशिएशन उनकी तारीफ कर दी, रिकॉग्निशन उनको नेम एंड फेम मिल गया कंपनी के अंदर, उनकी ग्रोथ हो गई है, एंड डिवेलपमेंट कि पहले उनको कुछ नहीं आता था अब वो सीख रहे हैं, उनको डेवलपमेंट बोल दिया. मोटिवेट द वर्कर्स टू वर्क हार्डर, तो ये भी वर्कर्स को मोटिवेट करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सके. सो बोथ काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एट द वर्क प्लेस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक मटीरियल अवार्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर रिवॉर्ड्स एट वर्क. कि मटेरियल अवार्ड्स ज़्यादा ज़रूरी हैं दूसरे रिवॉर्ड्स से. अब मटेरियल अवार्ड्स होते क्या हैं? मटेरियल अवार्ड्स यही होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होंगे, गिफ्ट से रिलेटेड होंगे. दैट मीन्स जो चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं वो होती है मटेरियलिस्टिक अवार्ड्स. आई बिलीव इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, से पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. किसी को मटेरियल अवार्ड्स पसंद है, किसी को नहीं पसंद. इफ़ द पर्सन बिलोंग्स टू अ लो इनकम फैमिली, अगर कोई पर्सन लो इनकम फैमिली से आ रहा है, वो जॉब कर रहा है, एज वेल एज हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, उसके पास अपने फैमिली मेम्बर्स की बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियल स्टेबल, और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, कि वो अच्छा बड़ा घर लेना चाहता है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहता है, देन मटीरियल अवार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. तो उसके लिए तो मटीरियल अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड बात की जाए, इफ़ द पर्सन इज़ वर्किंग फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि उसको काम में मजा आना चाहिए, वो चीज़ कर रहा है, मान लो कोई आर्ट कर रहा है तो उसको उसमें मजा आना चाहिए, उनको पर्सनल सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ ये मैंने काम किया बहुत अच्छा किया. देन अदर रिवॉर्ड्स लाइक प्रेज, रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द मटेरियल अवार्ड्स, एज दे वॉन्ट टू हैव मोर एंड मोर ग्रोथ. तो उनके लिए मटेरियल अवार्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, उनको पैसे से कुछ नहीं लेना देना. So our next one is what makes people proud of themselves. लोगों को अपने ऊपर कब proud feel होता है? There are several things that make people proud of themselves. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग अपने ऊपर proud feel करते हैं. As some people feel proud of themselves when they complete the desires of their parents. जब वो अपने parents की wishes को पूरा कर देते हैं तो वो proud feel करते हैं. And make them proud of themselves. और अपने parents को उनके ऊपर proud भी feel करवाते हैं. Apart from them, or apart from that, इसके अलावा some people feel proud when they achieve any type of difficult task or complete their plan. अब किसी person ने सोचा हुआ है कि मेरे को तो bungee jumping करनी है, उसने कर ली, उसने उसका plan भी complete कर लिया. अगर किसी को public speaking में थोड़ी hesitation होती है, उसने वो भी सीख ली, तो क्या है, जब उन्होंने कोई अपना target achieve कर लिया उस time भी वो लोग बहुत proud feel करते हैं. Sometimes the people who become good people, मतलब पहले कुछ बुराइयाँ थी बट अब उन्होंने वो छोड़ दी, हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प करे, लोगों को इंस्पायर करे, तो इससे भी लोगों को बहुत प्राउड फील होता है. सो आवर नेक्स्ट वन इज, सो हाँ जी ये थे हमारे सेकंड क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस.
सो आई होप आपको आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे. अगर अच्छे लगे हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके एंड अगर आपको किसी क्यू कार्ड का आइडिया पहले चाहिए या फिर फॉलोअप क्वेश्चंस पहले चाहिए, पार्ट वन के टॉपिक्स पहले चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं पूरा पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.